अब आप लोग भी अपने वीडियो के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं किसी भी ग्रीन स्क्रीन की मदद के बिना। आप लोग को सिर्फ यहाँ पर जो काइनमास्टर की जरूरत पड़ेगा, आप लोग जो है इस बैकग्राउंड से लेकर इस बैकग्राउंड तक आप लोग जो कोई भी चाहे आप लोग इसको लगा सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कैसे आप लोग जो अपना वीडियो के बैकग्राउंड को चेंज कीजिएगा। यहाँ पर कोई भी ग्रीन स्क्रीन की आप लोग को जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग को चाहिए एक काइनमास्टर ऐप, उसी की मदद से आप लोग जो अपना वीडियो के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर जो है काइनमास्टर ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आप लोग को कुछ ऐसा एक पेज नजर आएगा, जहाँ पर से आप लोग को न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद 16:9, उसके बाद जो है आप लोग को जो है जो वीडियो आप लोग जो है अपना बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं उसको आप लोग को सिंपली सिलेक्ट करना होगा। करने के बाद आप लोग जो है उसको यहाँ पर जो क्रॉस बार में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर से फिर से आप लोग को मीडिया वाले ऑप्शन पर जाना होगा। जाने के बाद आप लोग कुछ अपना एक इमेज, जो इमेज आप लोग जो है यहाँ पर जो है लगाना चाहते हैं अपने बैकग्राउंड में, उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोग को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आप लोग जो कोई भी वीडियो भी यहाँ पर जो लगा सकते हैं अपने बैकग्राउंड के ऊपर, लेकिन मैं यहाँ पर जो इमेज लगा के आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इमेज सिलेक्ट करने के बाद आप लोग का जो ओरिजिनल जो वीडियो है उसको आप लोग को जो है डिलीट कर देना होगा। डिलीट करने के बाद इसको थोड़ा सा एक्सटेंड यहाँ पर जो कर देना होगा। तो एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पर लेयर सेक्शन पे जाना है। लेयर के बाद यहाँ पर मीडिया, मीडिया के बाद यहाँ पर से फिर से आप लोग को वो वाला वीडियो यहाँ पर जो है लेना होगा। लेने के बाद यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पर छोटा बड़ा जो भी आप लोग चाहे इसको कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ पर से आप लोग को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आप लोग को यहाँ पर मैजिक रिमूवर वाला जो ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्रोमा की के नीचे, इसको आप लोग को सिंपली। दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। दोस्तों, आप लोग का वीडियो यहाँ पर जितना लंबा होगा यहाँ पर जो है उतना टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर इसको जो है आप लोग ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ पर अगर आप लोग अपना जो मोबाइल का फ़ोन को आप लोग अगर ऑफ करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर जो कैंसिल हो जाएगा। अगर आप लोग दूसरे पेज पर जाते हैं वो यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को ऐसे ही छोड़ देना होगा। तो यहाँ पर जो है हमारा बैकग्राउंड रिमूविंग प्रोसेस यहाँ पर कम्प्लीट हो गया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, आप लोग देख सकते हैं इसका जो ओरिजिनल वीडियो का बैकग्राउंड है वो पूरी तरह से यहाँ पर जो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप लोग को दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं पूरा जो वीडियो है उसका पूरा का पूरा वीडियो का यहाँ पर जो है बैकग्राउंड रिमूव हो गया। तो इसको आप लोग जो है सिंपली आप लोग एडिटिंग कर सकते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर से आप लोग को नीचे जाना होगा, नीचे एडजस्टमेंट वाले सेक्शन पर जाके आप लोग इसका जो ब्राइटनेस है वो बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पर जो छोटा मोटा आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। तो चेंज करने के बाद आप लोग देख सकते हैं इसका जो पूरा जो यहाँ पर बैकग्राउंड पूरी तरह से रिमूव हो गया, और इसको आप लोग जो है अच्छी तरह से यहाँ पर जो अच्छा भी लग रहा है यहाँ पर पूरा बैकग्राउंड। अब मैं आप लोग को चला के भी दिखा देता हूँ। तो इसी तरह से आप लोग भी अपना जो वीडियो का बैकग्राउंड है उसको चेंज कर सकते हैं। कोई भी आप लोग को ग्रीन स्क्रीन की जरूरत नहीं है, कोई भी आप लोग को यहाँ पर जो टूल्स की जरूरत है, सिर्फ आप लोग को काइनमास्टर ऐप चाहिए, उसी के माध्यम से आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर कर लेते, आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।